जो मर्द जो हमारे पास आ रहा है वो भी जानता है कि क्या मज़ा मिल रहा है, जो औरत के पास जा रहा है वो भी जानता है क्या मज़ा मिल रहा है। तो अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है, किन्नर की दाढ़ी और मूछ क्यों नहीं आती? शेविंग वगैरह कराते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरा चेहरा को देख के लग रहा है कि मैं शेविंग कराई हूँ। दाढ़ी मूछ आपकी भी? जैसे कि देखिए, फिर भी कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना बाकी लड़कियों की तरह और आप में? हाँ बस यही अंतर है। देखिए ऑन कैमरा में बोल रही हूँ, डोंट माइंड। जैसे लड़की लोगों का पीरियड्स आता है, हम लोग को नहीं आता है, क्योंकि अगर हम लोग तो पैदाइश तो लड़की तो नहीं है ना, किन्नर ही हो, तो पीरियड्स नहीं आता है और बच्चा नहीं कर सकते हम लोग। बाकी जो सुख लड़की दे सकती है वो सारा सुख आप दे सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली खाली बच्चा नहीं कर सकते। ना, जो लड़कियाँ लड़कियों के ऊपर अट्रैक्टेड होता है, लेस्बियन होते हैं? हाँ वो लोग लेस्बियन होता है, तो इसी टाइप का होता है। बट किन्नर बहुत टाइप का होता है, उन लोगों को भी एक टाइप का किन्नर माना जाता है, हम लोगों को भी एक टाइप का किन्नर माना जाता है। तो पैदाइश एक मेल बॉडी में पैदा हुए थे, बट हम लोगों का अंदर जो फीलिंग्स था वो पूरा एक लड़की वाली फीलिंग्स था। जैसे एक लड़कियों के जैसे फीलिंग्स आता है वैसे सब कुछ हम लोगों के, बस बट बॉडी हम लोगों का लड़का वाला था। तो बाद में चल के अपना बॉडी के साथ, मतलब बॉडी को चेंज करा के अपने फीलिंग्स के साथ। एक बेहतरीन और एक सुंदर किन्नर एंजल माही हम लोगों के साथ है, जिसका तमाम वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो बगल में चल रहा है। उसके बाद से स्टेज प्रोग्राम आप देखते होंगे, जब ये चढ़ती हैं तो समझिए लड़कियां इनके सामने फीकी पड़ जाती हैं। और ये किन्नर है, वाकई में ये किन्नर है, दिखने में भी लग नहीं रही कि भाई किन्नर है, क्योंकि जी इनका फिगर है, बॉडी क्योंकि इस तरह से मेंटेन की हुई है, इनसे ही जानेंगे हम। बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू। आपको भी? वाकई किन्नर है? हाँ मतलब लोग आपको देख के पहचान नहीं पाता? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का नजरिया है, कुछ लोग पहचान जाते हैं कुछ लोग नहीं पहचानते हैं। आप जो है हम जानना चाहेंगे कि किन्नर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए किन्नर बहुत टाइप का होता है, जैसे कि अगर किन्नर लोगों के बारे में प्रॉपरली जानना है तो LGBTQ एक ये आता है, तो वहाँ पे जाके आप लोग जान सकते हैं। जैसे LGBT का पूरा फुल फॉर्म है वहाँ पे, एल से लेस्बियन, जो लड़कियाँ लड़कियों के ऊपर अट्रैक्टेड होता है, लेस्बियन होते हैं? हाँ वो लोग लेस्बियन होता है, तो इसी टाइप का होता है। बट किन्नर बहुत टाइप का होता है, उन लोगों को भी एक टाइप का किन्नर माना जाता है, हम लोगों को भी एक टाइप का किन्नर माना जाता है। मतलब अगर बात करें तो नॉर्मली तीन टाइप के किन्नर होते हैं, जो कि एक वो पैदा होते ही किन्नर होते हैं, एक होते हैं जो ट्रांसप्लांट करा के बनते हैं, और दूसरे जो आप बता रहे थे इसे ट्रांसप्लांट नहीं बस ऐसे ही होता है। करा के। हाँ ट्रांसप्लांट करा के एक किन्नर बन जाता है उसको, मतलब जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों को ट्रांस वोमेन कहा जाता है, क्योंकि हम लोग पैदाइश एक मेल बॉडी में पैदा हुए थे, बट हम लोग का अंदर जो फीलिंग्स था वो पूरा एक लड़की वाली फीलिंग्स था। जैसे एक लड़कियों के जैसे फीलिंग्स आता है वैसे सब कुछ हम लोग के, बस बट बॉडी हम लोग का लड़का वाला था। तो बाद में चल के अपना बॉडी के साथ, मतलब बॉडी को चेंज करा के अपने फीलिंग्स के साथ मतलब रहे। जो शुरुआत का जब आप पैदा हुई तो जो जितना जैसे एक लड़का होता है वैसे ही आप भी थे, हाँ वैसे मैं भी थी। लेकिन अंदर से जो फीलिंग थी वो लड़की वाली, लड़कों के प्रति आपका कोई अट्रैक्शन नहीं था, लड़कियों के प्रति? नहीं जैसे छोटे से मैं लड़कियों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करती थी, जैसे बच्चा लोग बच्ची लड़की लोग कैसे करते हैं, संसार बनाने का सपना देखते हैं, गुड़िया लेके खेलते हैं, वैसे मेरे अंदर भी सब मतलब सेम सेम वैसे ही था। मैं लड़कियों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करती थी, और जैसे बड़ी होते गई हूँ, जैसे थोड़ी मेच्योर होते गई हूँ, तो उस टाइम से मतलब दिमाग में ऐसे आने लगा कि लड़कियों के प्रति कोई मतलब अट्रैक्शन ही नहीं आ रहा है पूरा, जैसे समझ सकते लड़कों के प्रति पूरा अट्रैक्शन आ रहा है। तो उस टाइम से मतलब थोड़ा थोड़ा करके दिमाग में ऐसे आ रहा था कि बाकी जो लड़का लोग मेरे आसपास है, मेरे दोस्त लोग हैं, जितना मेरा करीब का दोस्त लोग था, तो उन लोगों से मैं थोड़ी बहुत अलग हूँ। और उस टाइम तक मतलब आसपास से भी बहुत सारा टॉन्ट सुनने को मिलता था, बट बाद में चल के जब सोशल मीडिया का ज़माना है, जब बड़ी हुई हूँ, हाथ में फ़ोन आया है एंड्रॉयड फ़ोन, तो वहाँ पे देखने लगी हूँ, तो मेरे जैसे बहुत लोग ऐसे हैं सर्वाइव कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। पता कब चलता है आप लोगों को कि जो है हम लोग अंदर से इस प्रकार से हैं, अब हमको किन्नर बनना पड़ेगा? देखिए ये हम लोगों को छोटे से ही होता है, पर उस टाइम उतना दिमाग नहीं रहता है हम लोगों के पास कि उस टाइम कुछ करे, या फिर
मान के चलिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइम हमको पता चला है कि मैं बाकी 5 लड़का लोगों से अलग हूँ, मुझे अपना बॉडी को चेंज कराना पड़ेगा या फिर मुझे अपना लाइफ को चेंज कराना पड़ेगा, बट उस टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाता है। जिस टाइम पैसा आता है तभी ना पॉसिबल है, क्योंकि ये 2-4-5 हज़ार का खेल नहीं है, लाख लाख का खेल है। लाख रुपये में पूरा बॉडी का पार्ट चेंज? हाँ ऑब्वियसली। हाँ कितना रुपया आप लगाए? मैं लगभग मान के चलिए कि 2.5 से 3 लाख तक खर्चा हुआ है। अभी आप पूरी तरीके से लड़की बन चुकी हैं? मतलब अभी अगर बात करें तो लड़कियां जिस प्रकार से किसी लड़के के साथ जो है घुल मिल सकती है, उस प्रकार से आप कर सकते हैं? हाँ। बाकी फिर भी कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना बाकी लड़कियों की तरह और आप में? हाँ बस यही अंतर है। देखिए ऑन कैमरा में बोल रही हूँ, डोंट माइंड। जैसे लड़की लोगों का पीरियड्स आता है, हम लोग को नहीं आता है, क्योंकि अगर हम लोग तो पैदाइश तो लड़की तो नहीं है ना, किन्नर ही हो तो पीरियड्स नहीं आता है और बच्चा नहीं कर सकते हम लोग। बाकी जो सुख लड़की दे सकती है वो सारा सुख आप दे सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली। खाली बच्चा नहीं कर? ना। अच्छा बहुत सारे लोग का ये भी सवाल होता है किन्नर की दाढ़ी और मूछ क्यों नहीं आती, शेविंग वगैरह कराते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरा चेहरा को देख के लग रहा है कि मैं शेविंग कराई हूँ। दाढ़ी मूछ आपकी? जैसे कि देखिए ये मतलब बहुत आधुनिक ये चल रहा है, ज़माना चल रहा है आजकल। एक मतलब लेज़र ट्रीटमेंट बोल के एक ट्रीटमेंट आता है, जिसमें बॉडी का आपका कहीं पे भी आंचाए बाल हो, जहाँ जो आप हटाना चाहते हैं, उस ट्रीटमेंट के प्रोसेस से आपका बॉडी का मतलब कहीं के भी बाल हट सकता है, तो वही प्रोसेस हम लोग लेते हैं। अधिकतर किन्नर सभी लोग यही कराते हैं, इनकी दाढ़ी मूछ फ्यूचर में कभी नहीं आती? आई होप सो, ऐसा ही होता है होगा। एजुकेशन कहाँ तक की है? ग्रेजुएशन कंप्लीट इंग्लिश ऑनर्स से, कोलकाता यूनिवर्सिटी से। तो पूरा आपको बोलना आता होगा? थैंक यू। हाँ थोड़ी बहुत आती है। मतलब लोग तो ये सोच रहा होगा ना, बिहार में और उत्तर प्रदेश में आमतौर पे है कि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद किन्नर क्यों बनी, ट्रांसप्लांट क्यों कराया, पहले ही करा सकती थी तो? देखिए पहले मेरे दिमाग में आई थी ये बात, जब मैं कोलकाता में अपना डांसिंग क्लास करती थी, वहाँ पर मैं डांस सीखती थी या फिर सीखती भी थी, बहुत सारा प्रोग्राम भी करती थी और बहुत सारा लोगों को मतलब टीचिंग भी करती थी डांस के ऊपर। और ये डांस मेरा बहुत छोटे से मतलब एकदम जब मैं बहुत छोटी थी उस टाइम से मेरा बहुत शौक है। मैं ऐसी सोची थी कि बड़ी होकर एक अच्छी सी डांसर बनूंगी, जैसे बाकी लोगों का शौक रहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ये बनूंगी, वो बनूंगी, तो मुझे शौक था कि मैं अच्छे से एक डांसर बनूंगी, जैसे मेरे डांस की वजह से मेरी मम्मी पापा को पहचाना जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं वो लोग यहाँ पे आके मतलब डांस नहीं कर सकते, ये बस एक अफवाह फैला के रखे है यहाँ का समाज में कि जो ऑर्केस्ट्रा लाइन पे जो लोग जाते हैं वो लोग गंदे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं मानते इस बात को। हाँ ये सबका सब अपना अपना सोच की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डांसिंग एक कला है और हम कलाकारी दिखा के पैसे इनकम कर रहे हैं, ना किसी चोरी कर रहे हैं ना किसी के डाकू कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। तो अपना डांसिंग दिखा के कर रहा है, तो आई डोंट थिंक कि ये कहीं से भी सही मतलब मतलब गलत है कि ऐसा डांसिंग करना या फिर डांसिंग लाइन पे आना, ऑर्केस्ट्रा लाइन पे आना गलत है। देखिए अब अपने आप को अगर आप सही से रखेंगे तो ऐसे तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है ना, तो यही बात है। सोशल मीडिया पर आमतौर पर आप देखते होंगे लड़के जो है किन्नर से शादी कर लेते हैं। एक किन्नर का हमने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा कि जितना मजा एक किन्नर के साथ आता है उतना मजा लड़की के साथ नहीं आ पाता है, इस पे आप क्या कहिए? ऐसे कुछ बात नहीं। देखिए हम भी देखते हैं इस चीज़ को कि सोशल मीडिया में बहुत सारा लोग वायरल हो रहा है एंड रिपोर्टर लोग उन लोगों के पास जाके ले भी रहे। अब मतलब मुझे ये पता नहीं चलता है कि मतलब दिखाने के लिए कुछ भी दिखा देते हैं लोग, कुछ भी मतलब मान लीजिए मैं आपके पास एक अच्छा सा इंटरव्यू दे रही हूँ तो इसमें ऐसा एक हेडिंग बना के दे देंगे कि लोग दिखाने के लिए मतलब थोड़ा व्यूज आने के लिए कुछ भी कर देते हैं, तो ये मजा की बात है। आई डोंट थिंक कि मतलब ये कोई ऐसा बात हो सकता है, सबके अपने अपने पर्सनल चॉइस हैं। जो मर्द जो हमारे पास आ रहा है वो भी जानता है कि क्या मज़ा मिल रहा है, जो औरत के पास जा रहा है वो भी जानता है क्या मज़ा मिल रहा है, तो मुझे इस बारे में कोई कॉमेंट नहीं करना, सॉरी। बाकी एंजल माही जी प्रोग्राम वगैरह जो है कैसे आप प्रोग्राम का कैसे आप चार्ज करती हैं? कुछ ज़्यादा नहीं, अभी ओनली 10,000 तक चल रहा है मेरी प्रोग्राम का रेट। और तो अगर आप लोगों को मेरी प्रोग्राम बुकिंग कराना है, आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का शहर में गांव में मैं जा, आखड़ा भी चालू होने वाला है? हाँ आखड़ा में मैं जहाँ पे रहती हूँ कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे मुझे मतलब काफ़ी सारा आखड़ा मिलता है। जैसे कि इसका जो पिछला सीजन था मैं 18 ठो मतलब मैं अकेले 18 ठो आखड़ा की थी,
तो अखाड़ा का प्रोग्राम मेरे पास ज़्यादा आता है, तो अगर आप लोगों को बुक कराना है तो आप लोग मेरी मैनेजर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। 7797431441 ये मेरी मैनेजर का नंबर है। अगर नंबर आप लोगों को नहीं दिमाग में आया तो इंस्टा पे चैनल है सूरज माही ऑफिशियल नाम से, इस चैनल पे जाके आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो एंजल माही थी जी, और जितनी भी बातें आप सभी कमेंट बॉक्स में करते थे वो सारी बातें हम इन्होंने से पूछी, और बखूबी इन्होंने समझदारी से सभी बातों का जवाब दिया। हमें लगता है कि आप भी संतुष्ट हो गए होंगे। संतुष्ट हो गए तो कमेंट करके बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।